So hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. If you're watching my face for the first time, then do not forget to subscribe my channel. So guys, आज का look आपने देख ही लिया होगा. आज मैं बताने वाली हूँ आप वैलेंटाइन लुक कैसे अचीव कर सकते हैं और ये डे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं. बहुत ही न्यूड एंड क्लासी मेकअप है. सो गाइस, वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना. सो यस गाइस, विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले हम स्किन को करेंगे प्रेप, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है विटामिन सी का गुड वाइब्स का सीरम. एंड गाइस, ये बहुत ही अच्छा फेस सीरम है और आप इसे एज ए प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है, जिसकी वजह से आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. सो नेक्स्ट मैंने लिया है लैक्मी एब्सोल्यूट का वाइट, मतलब ये वाइटनिंग फेस प्राइमर है और आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा प्राइमर है. और सो गाइज, नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन का कंसीलर और जो इसमें मेरा शेड है हुआ है 10 लाइट. एंड गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइक कंसीलर है, लाइट है एज वेल एज ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है. इसकी कवरेज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो गाइज, अब हम अच्छे से इसे ब्लेंड आउट करेंगे एंड मेक श्योर कि आप ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करें, जिससे कि जो ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा लगेगा. सो गाइज, नेक्स्ट मैंने लिया है ये पर्पल का कॉम्पैक्ट और इसे मैं इससे सेट करूँगी अपने कंसीलर को. आप चाहो तो लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहो तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू. तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है. सो गाइज, नेक्स्ट मैंने लिया है NK की आई शेडो पैलेट और जो इसमें मेरा शेड हुआ है अंडर द सी. एंड इसमें मैंने लिया है ये पर्पल कलर. गाइज, आप कोई भी लाइट शेड पिक कर सकते हैं, लाइक ब्राउन भी ले सकते हैं. ये जो पर्पल कलर है ये इतना ज़्यादा पॉपअप नहीं होता, लाइट पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है. आप कैसा भी कलर पिक कर सकते हैं, इसकी जगह ब्राउन भी कर सकते हैं, लाइट ऑरेंज भी कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू. और तो आप अपने कलर टॉप के हिसाब से ही कलर पिक करें. मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी लाइट भी है और लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था. तो आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज, नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का स्केज आईलाइनर. दिस इज़ सो गुड, लाइक बहुत ही अमेजिंग है. आप चाहो तो विंग आईलाइनर लगा सकते हैं, आप चाहो तो विंग विदाउट विंग भी लगा सकते हैं. ये आपके फेस के ऊपर डिपेंड करता है. मुझे विंग आईलाइनर काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट भी करता है, इसलिए मैं विंग आईलाइनर लगा रही हूँ. अगर आप चाहो तो नॉर्मल भी लगा सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. सो गाइज, नेक्स्ट मैंने लिया आई एम्स्टरडेम का वाइट काजल. ये
बेस्ट वाइट काजल है, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड एज वेल एज काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये अपनी वाटर लाइन पर मैं लगा लूँगी। सो गाइज, अब मैंने सेम पर्पल कलर को अपने लाइक लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, जिससे कि जो मेकअप है, आई मेकअप है, वो और भी ज़्यादा उभर कर दिखे। तो आप मेक श्योर जो भी कलर लगा रहे हैं वो अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगाएं। सो नेक्स्ट मैंने लिया है मस्कारा फ्रॉम लोटस, एंड गाइज ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एज वेल एज़ ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता है मुझे, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला मस्कारा, ये जो आई लैशेज है उनको बहुत अच्छे से सेपरेट करता है एज वेल एज़ बहुत अच्छी वॉल्यूम भी प्रोवाइड कराता है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, आई एम डन विद माई आई मेकअप, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूड एंड क्लासी है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये स्टे क्विकी का फाउंडेशन, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत अफोर्डेबल है। आप चाहो तो बीबी या फिर सीसी क्रीम भी पिक कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू गाइज। ये ओके काइंड ऑफ है, लाइक इसकी कवरेज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज का नहीं है, बट इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा लाइक चीप है, बहुत सस्ता आपको ये मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मीडियम कवरेज का कोई लाइक फाउंडेशन चाहिए तो। बाकी आप बेबी सीसी क्रीम ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ये भी ओके प्रोडक्ट मुझे लगता है। अब इससे हम अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे। सो गाइज, अब हम इसे सेम पर्पल कॉम्पैक्ट से फिक्स कर लेंगे फाउंडेशन को। सो गाइज, नेक्स्ट है ये आईब्रो पेंसिल, ये है फ्रॉम शुगर और इसका जो शेड है वो है जेरी ब्राउन इज इक्वल टू मीडियम ब्राउन, एंड ये स्किन इंडियन स्किन टोन के ऊपर बहुत ही परफेक्टली जाती है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन का ब्लशर, एंड गाइज ये बहुत ही परफेक्ट ब्लशर है, और जिस पे मेरा शेड है वो आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, लाइक मैं शेड इसका मे बी है किस बाइट, हाँ तो इसका जो शेड हुआ है किस बाइट, वैसे जो भी प्रोडक्ट मैं ये यूज़ कर रही हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें।
सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये नायका का हाईलाइटर एंड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाईलाइटर और जो इसमें मेरा शेड हुआ है ग्लेज ब्राउन एंड ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइज अब मैंने लिए है लैक्मी की 9 to 5 लिपस्टिक और जो इसमें मेरा शेड हुआ है रोसीट मोटी, बहुत ही परफेक्ट शेड है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है मुझे वाला शेड। सो हम इसे अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेंगे। गाइज इसे लगाते ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा ग्लो आ रहा है फेस पे, मुझे ये लिपस्टिक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा ये लगने के बाद। सो होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।